नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे पपीते का अचार बनाएंगे। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कच्चा पपीता लिया था, जिसे छिलकर छोटे पीस में काट लिया है। मेथी, सौंफ, धनिया, अजवाइन, मंगरेला, जीरा, लहसुन जिसे मैंने छिलकर छोटे पीस में काट लिया है, नींबू, हल्दी पाउडर, हींग, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और सरसों का तेल लिया है। कढ़ाई में आधा चम्मच मेथी, दो चम्मच सौंफ, दो चम्मच धनिया और एक चम्मच जीरा डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट भूनेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यह अभी बहुत गर्म है, इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तड़का पैन में सरसों का तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे भी थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। मसाला ठंडा हो गया है, इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि इसे हमें दरदरा पीसना है। कटोरे में मसाला डालेंगे, इसमें आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्च का पाउडर ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 पिंच हींग, स्वाद अनुसार नमक और सरसों का तेल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम कटा हुआ पपीता डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें खट्टापन लाने के लिए इसमें नींबू का रस डालेंगे। आप नींबू के रस की जगह पर इसमें अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। इसे 2 से 3 दिन हम धूप में रखेंगे, जिससे पपीता मुलायम हो जाएगा और इसके बाद आप इसे खाएं। कच्चे पपीते का अचार तैयार है। धन्यवाद।